पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रविचंद्रन अश्विन को भारत की टीम में लिमिटेड ओवर्स और T20 मुकाबलों के लिए चुने जाने की वकालत की है। एक ट्वीट के जरिए मोहम्मद कैफ ने आर अश्विन को आने वाली ऑस्ट्रेलिया में T20 और ODI सीरीज में न चुने जाने के चलते सिलेक्टर्स पर भी निशाना साधा है। ट्विटर पर कैफ ने लिखा कि अश्विन ने इस IPL में बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट पावर प्ले में चटकाए हैं और इन विकेटों की सूची को एक नहीं दो बार पढ़ें तो समझ आएगा कि अश्विन आज भी भारत के लिए T20 में बहुमूल्य खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि अश्विन टेस्ट टीम के परमानेंट सदस्य हैं, लेकिन वनडे और T20 टीम में उन्हें अब नहीं चुना जाता है। अश्विन आखिरी बार भारत के लिए साल 2017 में वेस्ट इंडीज के दौरे पर सफेद गेंद से खेलते हुए नजर आए थे। इस दौरे के बाद अश्विन और रविंद्र जडेजा को T20 और वनडे टीम से निकाल दिया गया था। उस समय कहा गया था कि दोनों के वर्कलोड यानी कि कार्यभार का ध्यान रखते हुए ये कदम उठाया गया है। IPL में अश्विन और कैफ साथी थे। अश्विन जहाँ दिल्ली के मुख्य स्पिनर थे, वहीं कैफ टीम के असिस्टेंट कोच थे। 34 साल के अश्विन ने IPL 2020 में 15 मैच खेले और उनमें 13 विकेट चटकाए। टोटल होने के कारण कुछ मैच अश्विन को मिस करने पड़े थे। इस साल के IPL में अश्विन ने विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, कैरन पोलार्ड, क्रिस गेल और रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों का विकेट लिया। अब देखिए, साल 2017 में अश्विन ने जो अपना आखिरी वनडे खेला था उसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। वो उस मैच में सबसे सफल गेंदबाज थे। 5 मैचों की सीरीज थी और वहां पर जो तीसरा वनडे था वहां पर अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी थी अश्विन ने, और उसके ठीक बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और अब आप देखिए जिस तरह से IPL में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रभाव डाला है, लाजमी है ऐसे सवाल उठेंगे ही। मगर अब देखिए 17 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाली है और जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की हमें वीडियोस देखने को मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ये साफ दिख रहा है कि अश्विन जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कब वो मैदान में उतरे और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों पर अपनी फिरकी से उन पर अपना कहर बरपाएं।